Good morning guys, I am Neeraj Makan, your maths teacher. I will study today will real number 1, exercise 1.4. ठीक है? अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, कोई भी नंबर है उसके बारे में पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में कैसा पता लगाते हैं? देखो, अगर किसी भी रेशनल नंबर का, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर का अपने को पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए क्या करना है, किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आता है, 2 की पावर m, m एनी नंबर, 5 की पावर n, और 2 की पावर m into 5 की पावर n. ठीक, किसी भी नंबर में आता है, किसी या तो आए 2 के पावर की फॉर्म में या 5 की पावर की फॉर्म में या 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में, तो वो टर्मिनेटिंग है. और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक, याद रखना है कि अगर वो इस फॉर्म में आता है तो टर्मिनेटिंग है, और इस फॉर्म अगर बाकी इस फॉर्म में नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है. 2 की पावर m भी ये फॉर्म में, बिकॉज अपन क्या है कि 2 की पावर m को इंटू 5 की पावर 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब यही है. बिकॉज किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है, और ये 1 है तो वापस क्या आ जाएगा, 2 की पावर m. सेम चीज यहाँ पर 5 की पावर m, और इसको लगा सकते हैं अपन 2 की पावर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम चीज है. इसलिए अपन मेन अपनी जो है वो ये है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आना चाहिए, तो ये चीज अपन लगा सकते हैं. अगर इनके अलावा कोई भी अदर फैक्टर आता है, 3, 5, 7 कुछ भी आता है, तो फिर सॉरी 5, 9, 3, 4, 6, 7 कुछ भी आता है, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टाइम रिपीटिंग नंबर. अब फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग है, और इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है. फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अपने को पता करना है. ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन को समझाना सही समझूंगा, उससे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा. फोर्थ क्वेश्चन की बात करें अपन, तो फोर्थ क्वेश्चन पहले समझेंगे, फिर अपन फर्स्ट को सेकंड को बाद में समझेंगे. ठीक है, जैसे अब इसका इसकी बात करें, 15 upon 1600. अब 1600 का डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 1600. ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर, ये इसका सबसे पहले क्या करेंगे अपन, डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब सॉरी प्राइम फैक्टर करेंगे, और उसको इस टाइम फॉर्म में चेक करेंगे कि है या नहीं. इसका प्राइम फैक्टर किया मैंने 16, 2 से डिवाइड किया 800, 2 से डिवाइड किया 400, 2 से डिवाइड किया 200, 2 से डिवाइड किया 100, 2 से डिवाइड किया 550, 5 से डिवाइड किया सॉरी 2 से डिवाइड किया 25, फिर 2 से 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1. तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5, 1, 2, 5 की पावर कितनी आ गई, 2. ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टर किया. तो ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर आ रहा है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2. तो देखो 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहा है, 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है. ठीक है, तो इसको बोलेंगे द सो 15 upon 16 will be terminating decimal expression. ठीक, यानी इसका टर्मिनल डेसिमल एक्सप्रेशन है. सेम चीज याद रखना अपने को, किस क्या करना है, प्राइम फैक्टर जरूर पढ़ना है. ठीक है, प्राइम फैक्टर से ही अपने को क्वेश्चन का पता लगेगा. अब जैसे मैं इसकी बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं मैं यहां पर. तो क्वेश्चन नंबर 1 है 13 upon 3125. अब इसका 3125 डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर 3125, इसके फैक्टर करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 3125. इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे 6 10 30.
ठीक है, 1 कैरी ओवर 12 टू टाइम, 2 कैरी ओवर 5 टाइम, फिर 5 से 125 और फिर 5 से 25, 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। अब इसमें 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या है 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 किस फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर n की फॉर्म में, तो 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब अपन इसको बोल सकते हैं कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, बिकॉज अपन इसको क्या लिख सकते हैं, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, सो 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग इन डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। अब देखो, याद रखना सेम चीज यहां पर 2 की पावर आएगी, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर आएगी, 5 की नहीं आएगी, तो 5 की अपन अपना मर्जी से लिख सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। समझ में आया, ये चीज का ध्यान रखना, ये तो ऑलरेडी 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहा था, ये 2 नहीं आ रहा था, तो 2 की पावर 0 अपन ने लगाया। अगर मान लो थर्ड वाले क्वेश्चन में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फिर 5 की पावर 0 अपन लगा सकते हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है, वो चीज को अपन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वो चीज की बात करें अपन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है 64 अपॉन 455। अब इसकी बात करें तो डिनोमिनेटर 55। अब इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करेंगे 455। ठीक है, तो यहां सबसे पहले छोटा नंबर अपने को 5 दिख रहा है, 5 से डिवाइड होगा, 5 से 9 टाइम और 1 टाइम। अब ध्यान से देखो, यहां 5 से 91 किससे डिवाइड होता है, 3 से, हो सकता है 91 सॉरी 3 से भी नहीं हो सकता, ये डिवाइड होगा 7 की टेबल में, तो 7 से 7 बन जाए 7, 2 इधर कैरी ओवर 21 3 टाइम। ठीक है, अब यहां पर किससे होगा 13, किससे नहीं हो सकता, केवल 1। अब यहां पर 2 की पावर 0 नहीं आई, सॉरी 2 की पावर भी नहीं आ रहा, इसके अलावा बाकी फैक्टर भी आ रहे हैं, तो इसका फैक्टर अपन लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13, ये आ रहा है। ठीक है, 5 नहीं है तो यहाँ इनकी 0, इनकी पावर क्या क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 0 अपन अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, 2 की पावर 0 क्योंकि 2 नहीं आ रहा, तो 2 और 5 के अलावा बाकी फैक्टर भी इसमें आ रहे हैं, 2 और 5 के अलावा बाकी फैक्टर भी इसमें आ रहे हैं, सो 4 अपॉन 45 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है, बिकॉज क्यों है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो अब इस फॉर्म में नहीं है, इस वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। अब इसी क्वेश्चन के साथ में मैं सेकंड क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज इसमें 7 और 13 अलग से फैक्टर आ चुके हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और टर्मिनेटिंग वही है जो इस फॉर्म में होगा। अब इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन जो है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है उनको बोल रहा है कि डेसिमल में एक्सप्रेस करो। यही क्वेश्चन है, सेकंड पढ़ोगे आप समझ में आ जाएगा कि जो टर्मिनेटिंग नंबर है उनको डेसिमल में एक्सप्रेस करो। ओके स्टूडेंट, अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि टर्म में जो अपने को डेसिमल नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि जो नंबर टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सप्रेशन अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं कि ये टर्मिनेटिंग है, अपन ने अभी चेक किया थोड़ी देर पहले, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखो, ये क्या है, क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां पर इस तरीके से आएगा कि चेक करो कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और अगर ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन भी लिखो। ठीक है, ए के साथ कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले अपन ने डिनोमिनेटर की बात करें। ठीक है, डिनोमिनेटर की बात करें तो 3125,
अब इसके फैक्टर करेंगे अपन, तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 5 की पावर 5, ठीक है 5 की पावर 5 आएगी। अब यहाँ पर 2 की पावर नहीं आ रही, तो अपन यहाँ पर 2 की पावर अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, दिस इज अ टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर है या टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है, तो अपन क्या करना है, इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो 13 और 3125, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 13, और यहां पर क्या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब ये 5 की पावर 5 अपन ने लिख दिया, तो यहां पर क्या करना है, जब भी डेसिमल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आए तो यहां पर क्या करना है अपने को कि 13 है, डिनोमिनेटर को 5 की पावर 5 में लिख दिया। अब इसको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जितनी पावर है उतनी ही पावर होनी चाहिए, और अगर यहाँ 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और अगर यहाँ 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। समझ में आया, अगर यहाँ पर 5 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी पावर जितने की यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितनी पावर है, 5 पावर है, तो ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 2 होता तो ऊपर 5 की पावर से मल्टीप्लाई करते, सेम पावर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे अपन 13 × 2 की पावर 5, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और ये हो जाएगा 2 और 5 दोनों की पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 5 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, और यही अपने को बनाना है, इसीलिए अपन ने ये किया है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 32, और 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 × 13 = 26, और 13 × 3 = 39 and 39 = 41, कितना आएगा 416, 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 32, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 416, और यहाँ पर हो गया 5 × 10 की पावर 5, ठीक है 416 / 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 5 पावर को 5 0 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब 5 0 है तो 5 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे अपन 416, तो 1, 2, 3, 4, 5.0, तो ये इसका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सप्रेशन, ये इसका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है।